पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। जब हमारी पंजाब में सरकार बनी थी उस वक्त कुछ लोग ये कहते थे कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले एक साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे और ये भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने दिखा दिया है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देता हूँ और पंजाब के लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने सरकार के साथ खड़े होकर सहयोग किया और साथ दिया। मैं भगवान से, वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि पंजाब में खूब अमन शांति होगी, पूरे देश में खूब अमन शांति होगी और खूब तरक्की होगी।